उनका मेयार ये कि शबे कदर में तो पूरी रात, लेकिन जब वो हैप्पी न्यू ईयर आता है उन लोगों का, हम लोगों का नहीं है, तो पूरी रात जागते हैं। ये स्टेटस है। एक क्वेश्चन है जो बैंगलोर के एक प्रोग्राम में था, मैं चाहता हूँ आपको बता दूं, उसके बाद मैं आगे के लिए रवाना होता हूँ, क्योंकि मुझे कल कलकत्ता भी रहना है और मैंने साहब बाबू को पहले बता दिया था, उन्होंने कहा था कि 2 बजे आपको निकाल देंगे, मगर 1:30 बजे खड़े किए हैं। देखिए जस्ट एक क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। वो कहते हैं कि सोना और रेशम पहनना औरत के लिए जीनत का हिस्सा है, मर्दों के लिए हराम क्यों? मर्द को सोना और रेशम पहनना क्यों मना? अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया इसलिए मना है, इसमें क्यों क्या तलाश करना है? लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है, जिन लोगों ने इस पर रिसर्च किया। किताब का नाम सुन ले आप, सुनन इब्न माजा, किताबुल लिबास, बाबो लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा, इसमें लिखा हुआ है हदीस नंबर 3595 में कि एक दिन हमारे और आपके नबी मिंबर शरीफ पे जलवा गर हुए और अपने एक हाथ में सोने को पकड़ा और एक हाथ में रेशम के टुकड़े को, और दोनों को उठाकर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खातमम मिन अज़हब व हमल क़िताअतम मिन अल-हरीर, قال هذان حرام على ذكور امتي وحلال على نسائها। हुजूर फरमाते हैं ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है। استثنى سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سمح له النبی ان يلبس الحرير لانه كان مريضا بحساسيه من كل نوع من القماش فاعطاه النبی الرخصه। سعد بن وقاص کو چھوڑ کر ایک صحابی ہیں، ان کو ہر طرح کے کپڑوں سے الرجی تھی، اس لیے پیغمبر کائنات نے انہیں ریشم پہننے کی اجازت دی تھی। तभी तो ताजु शरिया नबी के बारगाह में अर्ज करते हैं, जहां नियता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत है बा नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। एक नौजवान आए मस्जिद में दाखिल हुए, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सुन लीजिए, जो लोग सोना वोना पहनते हैं वो सुन लें। एक नौजवान आए मस्जिद में दाखिल हुए, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कि कयामत के दिन तुझे आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा, या रसूलल्लाह, नहीं। आपने इरशाद फरमाया, इसे उतार दो और फेंक दो। उसने उतारा और फेंक दिया। इसे कहते हैं इताअत। बाद में सहाबी आए, उन्होंने कहा, ऐ नौजवान, उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उन्होंने कहा, नबी ने फेंकने को कहा है, अल्लाह की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। नबी ने फेंका, अल्लाह की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। और आज हमारा नौजवान नौजवानी नहीं है जब तक वो सोना और सोने की बटन और चैन और घड़ी 10 तोला 15 तोला जब तक वो शादी में मांग ना ले, और सबको फखरिया दिखाते, देखो मेरे पास सोने के बटन है, चैन है, अंगूठी है, घड़ी है। बताइए, कोई हराम चीज पे फख्र करता है? निकाह निस्फुल ईमान, निकाह निस्फुल दीन, निकाह आधा ईमान है और उस पे ये फख्र कर रहे हैं। आज हमारे आज बहुत सारे लड़के हैं, अगर मैं इनके हाथ को उठाऊं, बैठे ना हजरत,
आला हजरत बैठिए। जरा हाथ को उठाए जितने नौजवान हैं, ये देखिए आज हमारा बहुत सारा नौजवान है जो हाथ हाथ रख दो नीचे। कोई कड़ा पहना हुआ है, कोई गले में चैन है, कोई लोहे की अंगूठी है, और कोई कुछ ना पहना हो तो ये तो जरूर पहनता है। खास कर 10 दिन के लिए बम्बई जाएंगे तो ऐसे उतरेंगे, उधर से गंदे गंदे आएंगे लोकल डब्बे में। आपको डरमा में उतरेंगे तुम्हार कपड़ा पहन के नीचे बाइक लगता है बेटा ससुराल जा रहा है। अब बेटा ये सब पहना रहा है। अब आजकल औरतों का ये हाल है, शौहर बंबई से आता है तो कहती है सुनिए ना फेयर एंड लवली लेते आइए। कोई औरत नहीं कहती है कि अनवारे शरीयत लेते आइएगा, अनवारुल हदीस लेते आइएगा, सुन्नी बहिश्ते जेवर लेते आइएगा। आप बताइए कब्र में हश्र में पुल सिरात पे वो फेयर एंड लवली काम आएंगे या ये शरीयत मुस्तफा। मैं अपनी बहनों से अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से कहना चाहता हूँ, ए मेरी बहनों, आज पूरी दुनिया का अजीब माहौल है, खासकर हिंदुस्तान में औरतें नमाज रोजे से दूर रहती हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे, मगर सीरियल और नाटक जरूर देखती हैं, चाहे मोबाइल में हो या फिर टीवी में। उतरन से लेके कतरन तक 7 बजे से लेके 12 बजे तक जो खाना टीवी में बन रहा है वही खाना घर में, जो स्टाइल टीवी में वही इधर, जो हेयर स्टाइल उसमें है नाटक में वही इधर, जो कपड़ा नाटक में वही इधर, जो खाना नाटक में वही इधर, जो सजावट नाटक में वही इधर। मैं अपने बहनों से कहना चाहता हूँ, बहनों अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बम्बई की आयशा की नहीं मदीने की आयशा की गुलाबाद। जब तक जमीन पे रहोगी चमकती रहोगी, जमीन में जाओगी चमकती रहोगी। अब जो हमारा नौजवान ये सब पहनता है वो भी सुन ले, अगर आप ये सब पहने हुए हैं और ये चांदी की एक अंगूठी है, इसके जगह 2 अंगूठी 4.5 मास से ज्यादा 1 की जगह 2, या अगर ये पहने हुए हैं, ये पहने हुए हैं, कड़ा पहने हुए हैं, तो मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, हुजूर पीरे तरीकत आले रसूल भी हैं, हमारे हसन भाई भी हैं, काफी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह वो भी। अगर ये सब पहने हो, ये सब डाले हो और हाथ में ये डाले हो और ये अंगूठी डाले हो और नमाज पढ़ रहे हैं तो मालूम है।